हेलो दोस्तों, टुडेज़ फूड में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ एक उपाय। जी हाँ, एक उपाय जो छोटी छोटी आजकल हवा चल रही है, आंधी आ रही है और जो पेड़ों से ये छोटी छोटी अम्मियाँ गिरती जा रही हैं वो कोई यूज़ भी नहीं हो सकते। उनका छिलका गूदा क्या निकाले, कुछ भी नहीं निकलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना ऊपर का पोर्शन हल्का सा कट करके, जहाँ पर उनकी चोपी होती है और उसके कट करके उसका अचार ही बना लिया जाए, जैसे करौंदे का अचार बनता है। तो मैंने उनकी अम्मियों को ऐसे ही कट कर लिया है, ये देखिए सारी अम्मियों को अच्छे से, और इन सबको धोकर मैंने धूप में थोड़ी देर के लिए ऐसे फैला दिया है, ये देखिए, ताकि उनका पानी जो है वो सूख जाए अच्छे से। और ये देखिए मैंने इन सबको धूप में खूब अच्छे से फैला दिया है एक डेढ़ घंटे के लिए। जब एक डेढ़ घंटे में इन्हें अच्छी धूप लग गई तो मैंने इन सबको निकाल कर रख लिया है बाहर। और ये देखिए, ये मेरे एक एक अम्मियों को मैंने करौंदों की तरह अच्छे से सुखा दिया है। और ये देखिए मेरे अम्मियाँ आ गई हैं थालियों में। और फिर मैंने इसमें डाला नमक, ये देखिए इनमें अच्छे से नमक डाल दिया है। और फिर उसमें हल्दी डाल दिया है, हल्दी पाउडर, ये देखिए खूब अच्छे से डालकर नमक और हल्दी को खूब अच्छे से मिला दिया है, ताकि वो जो हमारे खरौंदी नुमा अमिया हैं उनमें मिल जाए। और फिर मैंने डाला भुना मसाला अचार वाला, जो मैंने बनाया है और उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो प्लीज़ आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। फिर मैंने इन सबको मसालों को डाल दिया अच्छे से, इसमें हींग, राई, मेथी, कलौंजी। और ये देखिए राई को मैंने थोड़ा सा अलग से पीस कर मिला लिया है, क्योंकि अभी इन अमियों में तो ना तो खटास होगी ना कुछ, तो इससे राई हमारी अमियों को अच्छे से खट्टा कर देगी। और ये देखिए फिर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और फिर उसको और थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए दो बड़े चम्मच मैंने डाल दिए हैं। और फिर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा सिरका, जी हाँ सिरका, लेकिन मैंने इसमें डाला है सफ़ेद सिरका। तो आप लोग भी सफ़ेद सिरके का यूज़ करिएगा, या आप घर पर बना सिरका का जामुन और उसका सिरका मत इस्तेमाल करिएगा, उससे अजीब सी महक आती है। और फिर मैंने डाला तेल और इन सबको अच्छे से सान लिया, मिक्स कर लेंगे पूरा, ये देखिए खूब अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे, ताकि एक एक अमिये में सारा मसाला अच्छे से लग जाए। ये देखिए मैंने खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है ताकि खूब अच्छे से हमारी अमियों में सारा मसाला एकदम से लग जाए। ये देखिए मैं कितने अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ, आप लोगों को भी ऐसे ही मिक्स करना है। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए। और मुझे नमक टेस्ट करने में कुछ कम लगा तो मैंने नमक थोड़ा और डाल दिया, ये देखिए, क्योंकि अचार वगैरह में नमक हमेशा तेज़ ही रखना चाहिए, थोड़ा जितना हम खाते हैं उससे थोड़ा सा तेज़ रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक तो अचार हमारा गलेगा भी जल्दी, और दूसरा इसका जो ख़राब भी नहीं होता है नमक और सिरके से। और फिर मैंने इसे अपने जार में भर दिया, और ये देखिए मेरी अमियों का करौंदा जैसा अचार तैयार हो गया है। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बाय।